नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं जनकपुरी में माता चनन देवी हॉस्पिटल के पास। कड़ाके की ठंड में कंबल किसे पसंद नहीं, लेकिन एक बात उनके बारे में सोचिए जिनके पास कंबल मौजूद नहीं। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जो फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं। इन लोगों को कड़ाके की ठंड में किसी तरह की सहायता नहीं मिल पाती और इन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए आज हमारे साथ कुछ समाजसेवी हैं जो कि यहाँ पे आगे आए हैं, जो कि कड़ाके की ठंड में इन लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं और खाने पीने की सामान मुहैया करा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजसेवी राजीव फौजी बलदेव जी और दीपक राजपूत जी। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि वो कौन सी, आखिर दीपक जी आप बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है इस तरह के सामाजिक कार्य करने से। मैं चाहता हूं जी, जैसे ये बेचारे गरीब लोग सो रहे हैं, जैसे इस भाई ने मेरे को बताया इसकी टांग में चोट है और ये कमा नहीं पाता, इसको दिल्ली सरकार कोई मदद करे या हम जैसे कोई भाई इसकी मदद करे जो ये गरीब आदमी अपनी सुविधा ले सके बेचारे। आपको कैसा लगता है जब इस तरह का कार्य आप करते हैं तो अंदर आत्मा आपकी किस तरह से प्रेरित करती है आपको? ये प्रेरित करती है कि इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मजबूर लोग हैं, जिससे हमारे दिल को खुशी मिले और इनको शांति मिले। कोई हमारे पीछे कोई बंदा खड़ा है, इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज बनता है। जब आपने इन लोगों को देखा तो सबसे पहली छवि आपके दिमाग में क्या बनती है आपको इनको देख के? हर इंसान को ठंड लगती है, हमें भी ठंड लगती है, लेकिन इन बेचारों को इतनी ठंड लग रही है, इनके ऊपर ना तन पे कपड़ा है ना कोई ढकने के लिए चीज़ है, तो हमारा यही फ़र्ज बन रहा है कि भाई इनको कुछ ओढ़ने के लिए दे दें। ये देखो ठंड से कपकपा रहा है, ठीक है, तो हमने यही सोचा कि अपने जितना हो सकता दीपक भाई, राजपूत, बलदेव भाई, हमने सब मिल के कि इनको कंबल वगैरह दे दें, कुछ खाने पीने का सामान दे दें ताकि सर्दी में इनको राहत थोड़ी सी मिल जाए। ऐसे ही आपको अच्छा लगता है सामाजिक कार्य करने? नहीं नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है जी, ना मैं कुछ निगम पार्षद लड़ना चाहता ना कोई MLA, मैं तो सिर्फ गरीबों के साथ हूँ और गरीबी मैंने देखी है, मैं इसलिए गरीबों को ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ये रोड पर सो रहे हैं, इनको कोई सरकार सुविधा दे या तो नैन बसेरा बना के दे। नैन बसेरे तो हैं दिल्ली में, मगर उसकी 100 की जगह 500 बंदे सोते हैं, उसमें गरीब आदमी कैसे सोएंगे? और इसको मेडिकल की ज़रूरत है, एक भाई को इसकी टांग में चोट है और वो सरकार से जाऊँगा इनके लिए कुछ करे गरीबों के लिए। लक्ष्य यही है जी, 150 कंबल बांटेंगे जहाँ तक हो सकता है, जो जो मिलेगा उनको गरीब आदमियों को कंबल देंगे हम लोग, और कुछ खाने का सामान भी देंगे इनको जैसा हो सकता है। इस तरह के लोग आपके पास आके आपको सामान दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ठीक ही लग रहा है, जो तो ये तो गरीबों के लिए देते हैं, तो ठंडी के लिए तो जो कंबल दिए हैं वो बहुत अच्छी तरफ से दिए हैं, इसलिए कि जो हम लोग को गरीबों को जो ठंड के बचने से लिए उन्हें दिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है।